सफाई कर्मचारियों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर अंबाला के सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदेश उप प्रधान सेवा राम की अध्यक्षता में अंबाला के सफाई कर्मचारी रेलवे स्टेशन के सामने इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आपको बता दें, पहले भी कई बार अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर चुके हैं। प्रदेश उप प्रधान सेवा राम की अध्यक्षता में आज एक बार फिर से सफाई कर्मचारियों ने अंबाला रेलवे स्टेशन के सामने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और गृह मंत्री अनिल विज के निवास स्थान पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सफाई कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। सफाई कर्मचारियों को शास्त्री कॉलोनी के गेट पर पुलिस की तरफ से रोका गया, फिर चार लोगों को ज्ञापन सौंपने के लिए वहां से भेजा गया। गृह मंत्री के घर पर ना होने के कारण उनके पीए को सफाई कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उपप्रधान सेवाराम ने बताया कि सरकार ने कई बार आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य उप प्रधान हूँ। जो आज हम ये कर रहे हैं वो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के आह्वान पर सभी कमिश्नरियों में जिला वाइज प्रोग्राम हो रहे हैं, जिसके तहत आज अंबाला, यमुना नगर, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में कार्यक्रम हुआ है, जिसके तहत आज हम मंत्री जी को ज्ञापन देने आए हैं। इसमें मुख्य कारण यह है कि 25 अप्रैल 2020 और 17 अगस्त 2020 को माननीय निकाय मंत्री जी के साथ हमारी वार्ता हुई नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के डेपुटेशन की। उसमें कुछ मांगों पर सहमति बनी, मगर आज तक उसके पत्र परिपत्र जारी नहीं किए गए, जिस कारण से प्रदेश भर के कर्मचारियों में भारी रोष है और विभिन्न विभिन्न नगर पालिकाओं, परिषदों एवं निगमों में से कर्मचारियों को हटाने का काम किया जा रहा है। आज लोकल मुद्दे पे हम बात करें तो हमारे कोरोना में एक महिला कर्मचारी की डेथ हुई हुई है, आज तक उसके परिवार को एक पैसा भी मुआवजे के रूप में नहीं मिला है। तो ये निगम प्रशासन या परिषद प्रशासन ने बहुत वो करी हुई है और हम अपने मंत्री जी से आज ज्ञापन देने आए हैं। 18 सूत्रीय मांग पत्र, 30 मार्च को एक पत्र जारी हुआ जिसमें समान काम समान वेतन देने की बात हुई, मगर आज तक हमारा समान काम समान वेतन नहीं दिया गया, जबकि हमारी सफाई कर्मचारियों की पोस्टें तक स्वीकृत हैं। इसी के साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं, जो हमारा फायर का कर्मचारी है, फायर के कर्मचारी को अलग से राजस्व विभाग में ना करते हुए उनको भी नगर पालिका के अंदर ही समायोजित रहने से और विभाग का विस्तार बढ़ा दिया जाए। अगर आज इन कार्यक्रमों के बाद में भी सरकार अगर हमारी सुध-बुध नहीं लेती, हमारे नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के डेपुटेशन को बुलाकर बातचीत नहीं करती, तो जो भी केंद्रीय कमेटी फैसला करेगी, नगर परिषद अंबाला के कर्मचारी। प्रदर्शनकारी सफाई कर्मचारियों की तरफ से सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया है। यही नहीं, उनकी तरफ से चेतावनी भी दी गई है कि अगर सरकार उनकी मांगों को अब भी नहीं मानती है तो केंद्रीय कमेटी के फैसले के अनुसार ही आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।